नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में 23,000 टन से ज्यादा वो ड्रग्स जिसकी कीमत लगभग 4,700 करोड़ के करीब है बरामद होती है, जबकि ये बैन है। लेकिन कमाल देखिए, उदयपुर में बाकायदा दवाई बनाई जाती है, मशीन लगाई जाती है, फिर सप्लाई की जाती है, लेकिन राजस्थान पुलिस, खुफिया विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग और गृह विभाग को इसके बारे में जानकारी होती नहीं है। केंद्र से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू यानी DIR की टीम आती है, BSF की मदद ली जाती है, कार्रवाई की जाती है, लेकिन राजस्थान की पुलिस और बाकी विभागों को इसकी भनक लगती नहीं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या राजस्थान का सिस्टम रिटायर होकर पेंशन पर चल रहा है और क्या सरकार का गलती मानना बड़प्पन है। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दवा कंपनी के नाम पर ड्रग्स का धंधा चलता रहा, सालों से हजारों करोड़ का काला कारोबार फल फूलता रहा। फिल्म निर्माता और ड्रग्स का माफिया और सुभाष दुधानी दिन दुगना रात चौगना कुबेर का धन अपनी तिजोरी में भरते रहे। और हैरानी की बात यह है कि राजस्थान के पुलिस तंत्र को कानो कान खबर तक नहीं लगी। जी, राजस्थान में दवा कंपनी के नाम पर नशे के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। दिल्ली से आई DRI की टीम ने 3 फैक्ट्रियों से तकरीबन 4,600 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त की है। नशे का ये कारोबार उदयपुर में बैठकर सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, दुबई और दिल्ली मुंबई तक फैल रखा था। इस रैकेट के 2 सरगना सुभाष दुधानी और उसका भतीजा रवि दुधानी। They have, in an operation spread over several days, seized 23.5 metric tons of Mandrax tablets. The value of these drugs, I would refrain from really sensationalizing this, but it is huge. If you take it at about 10,000 rupees a kg, it works up to around 2,300 crores. And if you take it at around 20,000 rupees a kg, which is what is the standard going international price currently, it is double that, which is around 4,600 crores. दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़े गए रवि दुधानी से पूछताछ में पता चला कि उदयपुर में 3 फैक्ट्री चल रही हैं, जिनमें नशे की गोलियां तैयार की जाती हैं। DRI की टीम को इसी बीच सुभाष दुधानी के बारे में पता चला। जांच में सामने आया है कि सुभाष इस पूरे ड्रग्स के गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है। उदयपुर, दिल्ली और मुंबई में ड्रग्स का सारा काम रवि ही देखता था, जबकि सुभाष दुबई में बैठकर ड्रग्स की डील करता था। DRI सुभाष को भी डिटेन कर चुकी है। राजस्थान में इतना सब होता रहा, मगर राजस्थान के पुलिस तंत्र को कानों कान खबर तक नहीं लगी। खुद गृह मंत्री ने इस चूक को स्वीकार किया है। सुभाष दुधानी है, हु वी बिलीव इज द हेड ऑफ द सिंडिकेट। ही इज अ बॉम्बे बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन जूलॉजी। ही हैज मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑल ओवर बॉम्बे। We suspect that he has in the past also smuggled some quantities of this tablet. ये चूक थी या मेहरबानी ये तो पता नहीं, मगर इतना जरूर पता है कि राजस्थान का पुलिस तंत्र पूरी तरह नाकारा साबित हो चुका है। माना जा रहा है कि ये देश की सबसे बड़ी कार्रवाई है, मगर अफसोस इस पूरे एक्शन में राजस्थान का योगदान 0 के बराबर भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार। इस बीच प्रोग्राम को मैं आगे शुरू करूं, उससे पहले कुछ जानकारियां भी मैं आपको देता हूं, जो कि आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। मसलन, धोइंदा और गुडली की फैक्ट्रियों में 3 साल पहले यानी कि 2013 से पहले इन दवाओं का निर्माण कर लिया गया था। कडलावास स्थित फैक्ट्री में इन्हें रखा गया था। मैंड्रेक्स वो दवा है जिसकी यहां से बरामदगी की गई है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, ताकि आपको यह अंदाजा हो कि यह ड्रग्स कितनी ज्यादा हानिकारक है। इस ड्रग्स को खाने से डिप्रेशन, तेजी से वजन गिरना, नींद आना, आक्रामकता, लड़खड़ाती जुबान और मांसपेशियों से नियंत्रण खोने जैसी बीमारी हो जाती है। ये वही ड्रग्स है जिसे बॉलीवुड की पार्टियां कहें
या फिर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में नाइट लाइफ के दौरान इस्तेमाल होने वाला ड्रग्स कहें, या फिर सीधे तौर पर इसका वो नाम पार्टी ड्रग्स जिसके नाम से प्रचलित है, क्या यहीं से इस ड्रग्स को लेकर गंभीरता शुरू हो जाती है? क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स की पार्टियों के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, ऐसे आरोप लगते आए हैं, और इसके बिना पार्टियां पूरी नहीं होती ये भी कहा जाता है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है, सुभाष दुदानी जिन्होंने साफ ये कहा है कि 2013 में उसने दवा बनाना बंद कर दिया था और मशीनों को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया था, इससे दो सवाल खड़े होते हैं। सवाल वर्तमान सरकार पर, क्या वाकई में 2013 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब तक दवाइयों की सप्लाई जो थी उसको छोड़कर बाकी काम खत्म हो चुका था, मशीनें नष्ट की जा चुकी थी और 2013 में इसका प्रोडक्शन भी बंद हो चुका था। दूसरा सवाल गंभीर ये है कि क्या कांग्रेस सरकार के दौर में ये जो फैक्ट्री है वो फली फूली आगे बढ़ी और जब 2013 का दौर निकलने लगा तो इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, क्या दो सरकारों के बीच में ये फैक्ट्री फली बड़ी हुई, आगे बढ़ी और ये पूरी सप्लाई चेन शुरू हुई जिसका खुलासा इस वर्तमान सरकार के बीच में कर दिया गया, क्या वाकई में पीठ थपथपाने वाली बात है या फिर नाकामी है जो गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया मानते हैं? बात इसी मुद्दे पर और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल गोठवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम सुंदर जी, आपके पास ही मैं सबसे पहले आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, 2013 में इसका प्रोडक्शन भी बंद हो गया और उसकी मशीनों को भी नष्ट कर दिया गया, उसके बाद सरकार बदलती है, 2-3 साल तक ये सब चलता है और खुलासा होता है, गृह मंत्री कहते हैं कि ठीक है पुलिस की चूक मानी जा सकती है, जो ये गलती मानने की प्रक्रिया है, क्या वाकई में सरकार को इसको लेकर पीठ थपथपाने की जरूरत है या फिर नाकामी को लेकर अंदर खाने ही ये पता नहीं था कि फैक्ट्री यहां से चल रही है क्योंकि 2003 में कागजों में बंद हो चुकी। विजेंद्र जी, ये बात तो ठीक है कि गहलोत सरकार के टाइम में इसका उत्पादन हो रहा था व्यापक पैमाने पर जी। और 2013 में आते आते उसने उत्पादन बंद कर दिया था और मशीनों को गोदाम में समेट के रख दिया था जी। लेकिन इतना अधिक उत्पादन कर दिया गया था, उसकी सप्लाई अभी तक हो रही थी जी। जो कि आपके सीबीएसई ने रेड करी और ये राजस्थान पुलिस, राजस्थान सरकार का तो इतना तो फेलियर माना जाना चाहिए कि उनको ये पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, इतना बड़ा उत्पादन हो रहा था और सप्लाई हो रही थी जी। अब 4,200 करोड़ रुपए का अगर अभी भी उसके पास 4 करोड़। दरअसल मैं यही चीजें जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में वर्तमान सरकार को इसके लिए कोसा जाना चाहिए, यही मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि 2013 में फैक्ट्री बंद हो गई, सप्लाई को कागजों में बंद दिखा दिया गया, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो दवाइयां थी उनको दीवारों में चुनवा दिया गया, और दूसरी जानकारी जो मैंने अभी 2 मिनट पहले दी कि धोइंदा और गुडली की फैक्ट्रियों में ये सारी प्रोडक्शन हुई थी और फिर कडलावास स्थित फैक्ट्री में इनको रखा गया, दीवारों में चुनवा दिया गया, क्या वाकई में सरकार की नाकामी आप इसे कहेंगे या जिस तरीके से खुलासा हुआ है और फिर गलती मान लेना, ये माना जा सकता है कि सरकार की छवि साफ है? क्योंकि ये क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार के अधीन आता है जी। अब मोदी सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम मादक पदार्थों के खिलाफ जो तस्करी करते उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे, उसका परिणाम कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर यह सब कार्रवाई हुई है जी। क्योंकि राजस्थान सरकार का तो इतना ही फेलियर माना जाना चाहिए कि इतना बड़ा कारोबार हो रहा था इनको पता नहीं था, जो कि गृह मंत्री खुद ने स्वीकार कर जी। उन्होंने बहुत ठीक बात कही कि हमारे को पता नहीं था, ये हमारी भूल है जी। लेकिन उनकी ये गलती तो नहीं है कि क्योंकि केंद्र सरकार ने रेड करी है और जब पता पड़ा कि भाई इतना बड़े पैमाने पर सब कुछ हो रहा था, सप्लाई हो रही थी और जो भी सप्लाई करने वाला इसका निर्माता है वो खुद फिल्म निर्माता है जी। सुभाष, ठीक है श्याम सुंदर जी, छोटे शब्दों में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या इसको कांग्रेस सरकार का फेलियर कहा जा सकता है कि उसके राज में एक फैक्ट्री बंद होने से पहले इतनी सप्लाई कर गई और जानकारी तक नहीं थी? आप फेलियर की बात नहीं करिए, उनके ऊपर आरोप तो ये लगता है कि उनके जमाने में ये फैक्ट्री लगी जी और उत्पादन इतना व्यापक पैमाने पर हो गया कि जो 5 साल तक सप्लाई करने की स्थिति थी। ठीक बात, ये दक्षिणी अफ्रीका और 3 साल बाद जब ये पकड़ी जाती है तो वो भी 25 टन से ज्यादा होती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप 4000
चार करोड़ गोलियां थी जी, जो कि यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका और मोजाम्बिक में जाने वाली थी, ये सारी बातें पांच साल तक सप्लाई कर सकते थे जी। तो कांग्रेस सरकार में की मिली भगत तो कही जा रही थी, केंद्र सरकार को पता होगा कि किस प्रकार का उत्पादन यहाँ, किस प्रकार की फैक्ट्री लगी, इससे बहुत सारी सुविधाएं भी ली होगी सरकार से जी। जो मिलती है ना कि हम इसमें ये छूट दे देंगे, ये छूट दे देंगे, ये तो बहुत जांच की बड़ी प्रक्रिया है जी। इसके तहत मालूम भी पड़ेगा। ठीक है, पुरानी बात मैं आपको बता, ठीक है, एक एक ठीक है जी, एक बात बताना चाहता हूँ, राम सिंह बिश्नोई हुआ करते थे। ठीक है श्याम सुंदर जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अनिल गोटवाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर, राजस्थान के अंदर वही अधिकारी होंगे, वही प्रशासनिक तमका है, सिर्फ सरकार बदली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक जो फैक्ट्री 2013 में कागजों में बंद दिखा दी गई, उसके उत्पादन को जीरो दिखा दिया गया, क्या वाकई में अधिकारियों की उस तरफ नजर नहीं गई होगी? नहीं, बिल्कुल, ये आम जनता में और सभी में ये एक जिज्ञासा का प्रश्न है कि उस समय दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन ये विभिन्न विभागों का, इसमें ड्रग कंट्रोल विभाग जो है जी, ड्रग नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है हमारे राजस्थान में बैठा हुआ, ये सीधा सीधा केंद्र सरकार से जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है जी। स्टेट तो इसके अंदर एक नोडल एजेंसी का काम करता है कि अगर मान लो उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनको वो सर्कुलेट करे और फिर स्टेट कार्रवाई करे, ये एक प्रक्रिया है जी। प्रक्रिया में पूरा फेल्योर राजस्थान का होना ये संभव नहीं है। जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो राजस्थान पुलिस को या लोकल उसको, क्योंकि इसके अंदर लाइसेंस लेना पड़ता है ड्रग का जी, ड्रग की सीजर उनको बतानी पड़ती है, प्रोटेक्शन बताना पड़ता है, तो वो कहाँ गया, कैसे गया, तो ये एक सोचनीय विषय है कि अगर वो इंफॉर्मेशन आज उनको DIR को मिली है तो ये पहले भी उनके पास ही होनी चाहिए थी। राजस्थान पुलिस का इतना बिग फेल्योर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन हमारे को भी रखनी चाहिए थी राजस्थान पुलिस। अनिल जी गोटवाल, अनिल गोटवाल जी, दरअसल फेलियर की बात ही नहीं, आज मैं ये समझना चाहता हूँ कि वाकई में 4,600 करोड़ की दवाइयां जब्त की जाती हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी कार्रवाई है, मुंबई से ट्रेस किया जाता है, उसके बाद जब लिंक मिलते हैं तो फिर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया जाता है, रवि को पहले पकड़ा जाता है, उससे फिर ये जानकारियां जुटाई जाती है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी खेप यहाँ पर छुपाई गई, क्या वाकई में मुमकिन है कि संरक्षण के बिना मुमकिन था? नहीं, हाँ, संरक्षण के बिना मुमकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी इसके अंदर कोई मिली भगत हो, लेकिन कानून के अभाव में, कानून का जो ज्ञान है उसके अभाव में कि ये मैंड्रेक्स गोली प्रतिबंधित हो चुकी है, हो सकता है उसका 6 महीने बाद में पता चले, उसी समय पता चले कि ये जो सब साइकोट्रॉपिक जो भी ड्रग्स है इसको बैन कर दी गई है जी। इसका लेट भी पता चल सकता है, और मैंड्रेक्स तो एक आम भाषा का जो है, जिसके अंदर की ये नशीली दवाओं का सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। ठीक है, और ठीक ये कभी से प्रतिबंधित है। मैं आपसे चंद शब्दों में भी ये जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में फेल्योर किसका है, कांग्रेस सरकार का या वर्तमान बीजेपी सरकार का? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी सरकार का फेल्योर का मैं जहां तक मानता हूं कि इसके अंदर उसमें नहीं जाकर ऑफिसर्स का फेल्योर है, गवर्नमेंट के जो आसूचना अधिकारी लगे हुए हैं जिनको इन्फॉर्मेशन। सर, मैंने सवाल इसलिए खड़ा किया क्योंकि 2013 में फैक्ट्री बंद हो गई, उत्पादन कागजों में बंद हो गया, जो उत्पादन हुआ था उसकी जगह को बदल दिया गया, ईंटों में दीवारों के अंदर उसको चिनवा दिया गया, ये सब 2013 से पहले हो गया। क्या वाकई में कांग्रेस से सवाल नहीं होना चाहिए कि आप उसके राज के अंदर ये सब कुछ होता रहा, ना तो इन्फॉर्मेशन कन्वे की और ना ही कोई कार्रवाई की? देखो, कांग्रेस के अंदर तो इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने उसको बैन कर दिया, उसको सीज करा दी फैक्ट्री को, ये ऑफिसर्स के नॉलेज में होना चाहिए था। ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में फैक्ट्री को बंद किया, बैन किया गया? क्योंकि जितनी जानकारी मैंने जुटाई है उसके मुताबिक जो कर्जा यहाँ पर लिया गया था वो ना चुकाने की वजह से फैक्ट्री को सीज किया गया। पहले बकायदा फैक्ट्री किसी और चीज की थी, वहां पर नुकसान हुआ, उसके बाद इस फैक्ट्री को शुरू किया गया और उसके बाद कर्जा ना चुकाने की वजह से सीज हुआ, अगर मैं गलत नहीं तो। नहीं, आप बिल्कुल सही हो, आप गलत नहीं हो कि कर्जा चुकाने के कुछ जो इसके अंदर
सब्सिडीज मिलती है बाहर भेजने की, एक्सपोर्ट करने की जी, वो एक्सपोर्ट करने की तो DIR देता है और उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि जब इतनी दवा यहाँ आई है तो ये कैसे बाहर नहीं गई, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लाइसेंस है उसको चेक करना चाहिए था ऑफिसर्स को, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को चेक करना चाहिए था कि अगर ऐसी कार्रवाई हुई है तो उसके ऊपर निगाह रखते। ठीक है, तो ये मानना है कि दोनों ही का कुछ ना कुछ फेल्योर रहा है। ठीक है सुरेश चौधरी जी, सर मैं पहले आपसे ही जानना चाहता हूँ क्योंकि जो कुछ हुआ, फैक्ट्री लगी, उत्पादन शुरू हुआ, उत्पादन बंद हुआ, ओवर प्रोडक्शन हुआ, फिर दीवारों में चिनवा दिया गया हो या फिर फैक्ट्री पर ताला लगा दिखा दिया हो, ये सब 2013 से पहले हो चुका। सबसे पहले तो मैं आपसे रिएक्शन ही चाहूंगा कि सबको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, क्या कुछ कहना चाहती है। नहीं विजेंद्र जी, मैं ये कहूंगा कि फैक्ट्री 2013 में बंद हुई तो उस समय जैसे केंद्र सरकार की सूचना मिली फैक्ट्री में तो फैक्ट्री बंद हो गई। अब उसके बाद में कोई भी आदमी प्रोडक्शन कर रहा है वो डिपार्टमेंट के अधिकारी गोठवाल साहब ठीक कर रहे थे, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, चाहे गवर्नमेंट भाजपा की हो, चाहे वर्तमान गवर्नमेंट हो, चाहे पूर्व गवर्नमेंट हो, जो आदमी गलत काम करता है वो जिस दिन पकड़ा जाता है वो कितने दिनों से कर रहा है वो एक इशू नहीं है। वो कर रहा इशू इसलिए है कि जितने की डिमांड नहीं थी उससे ज्यादा ओवर प्रोडक्शन कर दिया गया, ओवर प्रोडक्शन इतना हुआ कि अगले 5 साल तक सप्लाई होती रही। ये तो क्या ये कोई तो कंट्रोल नहीं था, बंद किए वो दो क्या कोई कंट्रोल नहीं था सर आपकी सरकार में, उसका, उसका उसका वो कुछ नहीं कर सकते, फैक्ट्री में तो कागजों में दिखा दी लेकिन सर वही तो जानना चाहता हूँ, क्या कोई कंट्रोल नहीं था एक ऐसी दवा को लेकर जिसको लेकर इतने ज्यादा सवाल है जो बैन थी। सरकार का अब भी कंट्रोल है, केंद्र सरकार का कंट्रोल नहीं होता तो अभी भी DIR कैसे इनको पकड़ता, अभी भी दिल्ली के। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की केंद्र सरकार और प्रदेश की कांग्रेस सरकार दोनों का फेलियर इस वक्त उजागर हो रहा है? नहीं नहीं, सरकार मैं कह रहा हूँ कि सरकार काम, क्योंकि उस वक्त भी केंद्र की सरकार अगर ध्यान देती तो इतना ओवर प्रोडक्शन ना होता। सर कोई जवाबदेही होती है नहीं होती? बिजनेस गलत बिजनेस है, बीजेपी सरकार में करे, कांग्रेस सरकार में करे, गलत आदमी गलत है सर, गलत लेकिन उस वक्त गलत नहीं था ना। मैं यही तो जानना चाहता हूँ इतना ओवर प्रोडक्शन यहाँ पर किया गया, कांग्रेस ने जवाब तलब क्या किया, क्या उस संबंध को जो चीज समझता है जो अधिकारी, जो उसके बारे में जानता है जो अधिकारी, जो उस दवा के बारे में समझता है अधिकारी, उसकी तो जिम्मेदारी है। सुरेश जी सुनिए तो जरा, सर सवाल सीधा सा है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन वहां पर हुआ, कंपनी को बंद किया गया, कंपनी को बंद किया गया, दवा के बारे में जानकारी किसने जुटाई कि दवा का क्या किया गया? नहीं दवा के बारे में जानकारी हुई ना, वे सर मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ, आपकी सरकार ने कंपनी को बंद किया, पकड़ा जाएगा, आपकी सरकार ने कंपनी को बंद किया, अगर कंपनी को बंद किया गया तो इतनी इस दवा को लेकर सरकार असंवेदनशील कैसे हो गई? नहीं मैं विजेंद्र जी फिर कह रहा हूँ कि ये काम कोई सरकार के अधिकारियों का, जिस संबंध में आप ठीक कर रहे थे केंद्र सरकार है उस समय केंद्र सरकार कांग्रेस के जी, गलती मान लीजिए ना, हमारे अधिकारी की सरकार की जिम्मेदारी से कहीं कोई काम ऐसा हुआ है तो हमारी कमजोरी है, उसके लिए हम कभी मना कर रहे हैं, लेकिन ये चीज अधिकारी की भी साथ के कर्मचारियों की भी सबकी जिम्मेदारी है। क्या ये लगता है आपको कि कांग्रेस के गड़े मुर्दे आज आपके सामने उखड़ कर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी दाग लगा रहे हैं? वो एक अलग बात है, गृह मंत्री ने साफ मन के साथ ये मान लिया कि भैया हमसे गलती हुई, ये भी सच्चाई है कि हमारे प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस ने ही सब कुछ क्लीन चिट कर दिया हो तो फिर आप भी क्या करेंगे? नहीं मैं वही कहना चाहता हूँ विजेंद्र जी कि गृह मंत्री जी सेंसिटिव आदमी है, उन्होंने स्वीकार किया और ये जो कार्रवाई होगी आगे उसका बुनियाद ये बनने वाली है कि चूक हुई है तभी तो कार्रवाइयां होगी, तभी तो अफसर सस्पेंड होंगे, तभी तो उनको हटाया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। अगर वो कह देते लीपापोती करने लगते हैं कि हमारी गलती नहीं है तो फिर तो कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो मुझे लगता है पूरी ऑनेस्टी के साथ उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, इसलिए क्योंकि उनके इरादे उस पे खिलाफ कार्रवाई करने के हैं, एक बात। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार की DRI है इस बारे में इंफॉर्मेशन कई सालों से उन्होंने जुटाई और सब बात रही, लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार आई तब उन भ्रष्ट लोगों की दाल नहीं गली और इस कारण से उन पे कार्रवाई हो गई। इससे तो यही जाहिर होता है जो आम लेमैन सोचता है। अगर अपन पत्रकार और नेता के हिसाब से, जानकार के हिसाब से, विशेषज्ञ के हिसाब से बात करते हैं तो भी जब निर्माण हो गया
जब सब काम बंद हो गया उसके बाद में वो इसको बेचने की फिराक में थे, उनको 3 साल मौका नहीं मिला। जब पहली बार सौदा करने की बात होने लगी डीआरआई ने पकड़ लिया, तो अल्टीमेटली द वेरी स्मार्ट डीआरआई इज वर्किंग देयर इस कार्यकाल में 3 साल में वो बेच नहीं पाए। जानकारी नहीं थी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 2013 में कंपनी के बंद होने से लेकर नवंबर 2016 तक पहली बार ये जो दवा है ये देश से बाहर जा रही थी? जी वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए अभी तक की जानकारी में जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या इससे पहले ये दवा बाहर नहीं गई? यही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा हमने प्रोडक्शन बंद कर दिया था, उसके बाद गोदामों में इसको छुपा दिया था, दीवारों में चुनवा दिया था, इसका मतलब सप्लाई नहीं हुई थी। अदरवाइज ये लाइन निश्चित तौर पर आती कि कुछ माल हमने सप्लाई भी किया था। जब तक ये बात नहीं आई है और जांच की अपन इतना प्रामाणिक मान रहे हैं अगर, तो फिर इस लाइन का नदारद रहना ये जाहिर करता है कि कोई सप्लाई नहीं हुई। और जैसे ही सप्लाई का प्रयास हुआ, नजर में मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई में एक सरकार के दौर में एक कंपनी शुरू होती है, दवा को लेकर कंपनी शुरू होती है, विदेशों से मशीनें आती है, मशीनें लगाई जाती हैं, प्रोडक्शन शुरू होता है, फिर मशीनें खराब कर दी जाती हैं, खत्म कर दी जाती हैं, सील कर दी जाती है कंपनी। क्या इस बीच कंपनी के बारे में सरकार और अधिकारियों के पास कोई जानकारी नहीं होती कि कितना प्रोडक्शन किया, कितना कंज्यूम किया, कितना यहां पर बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसका क्या होगा? पूरा होता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। जनरली इन्होंने स्ट्रेटेजिकल काम किया विजेंद्र जी, और ये इस तरह से किया कि जब कंपनी बंद हो जाती है, उसके लोन चुकाने की बात खत्म हो जाती है, तो उसके माल असबाब के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं होती, तो इट वाज अ स्ट्रेटेजी कि इस तरह किया जाए और जो माल इधर उधर छुपाया हुआ है उसको बाद में हम सप्लाई करेंगे स्ट्रेटेजिकली। इसलिए कांग्रेस का फेल्योर मानते हैं जो आपके सामने आके खड़ा हो गया? जी निश्चित तौर पर ये बात है कि जब वो खुद कह रहे हैं कि हम 7 साल से फैक्ट्री चला रहे हैं और 3 साल पहले बंद करी है, तो 4 साल के ड्यूरेशन में 2009 से लेके 2013 तक अगर वहां प्रोडक्शन होता है, माल आता है, अफीम आती है, अफीम से ये इंग्रेडिएंट निकाले जाते हैं, उनको कंसोलिडेट किया जाता है, 10-10 करोड़ की मशीनें लाई जाती है, बाद में उनको नष्ट किया जाता है, इतनी सारी घटनाएं एक साथ हो जाती है पूरी रामायण 4 साल में, और खबर पड़ती है जब वो खबर बेचने के लिए फोन करने के उनके रडार पर आते हैं और उनको पकड़ा जाता है विदेशी व्यापार के नाम पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी शिद्दत के साथ गृह मंत्री ने गलती मानी, ये भी कहा कि पुलिस से भी चूक हुई, ये भी माना कि ठीक है सरकार को भी अपना थोड़ा सा विभाग सतर्क करना चाहिए, लेकिन सर क्या राजस्थान के अंदर अब सरकार कोई अभियान चलाने वाली है? क्या खुफिया तंत्र को स्ट्रिक करने वाली है? क्या पुलिस को ये जानकारी जुटाने के लिए पाबंद करने वाली है कि अब भैया पूरे जिलों में घूमिए, जिस तरीके की बंद पड़ी कंपनियां हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए और खंगालने की कोशिश कीजिए कि कहीं और भी तो इस तरीके का रैकेट नहीं चल रहा है, पनप रहा है? विजेंद्र जी इट ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए जी। और उसका कारण यह है कि इस बारे में जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है, सरकार को फेल्योर दिखाने वाली है, पुलिस तंत्र को नाकाम बताने वाली है, इसलिए उनको इक्विप तो करना ही पड़ेगा। और ये इक्विपेशन इस प्रकार होना चाहिए कि उनके पास ऐसे साधन हो जाएं कि उनको पता चले कि कहां क्या गतिविधि हो रही है, सूचना तंत्र को पुख्ता करना पड़ेगा, अदरवाइज आप देखेंगे कि लोग अपनी चालबाजी से जालसाजी से सरकार को गच्चा दे सकते हैं। पहले वो तो सरकार को ही करना है, मैं यही जानना चाहता हूं क्या कोई अभियान चलाया जाएगा? जी निश्चित तौर पर, चूंकि गुलाब जी का जो बयान है उससे जाहिर होता है कि वो कार्रवाई करने के इच्छुक हैं, इसीलिए उन्होंने इसको फेल्योर करार दिया है, ठीक है, भूल बताया है, चूक बताया है। जी सर इस हिसाब से तो इसको डीआईआर की उपलब्धि माना जाए कि 3 साल तक, जैसे ही 3 साल के अंदर पहली बार यहां पर ये खेप देश से बाहर जाने लगी, डीआईआर ने बाकायदा ना सिर्फ उन सूचनाओं को इकट्ठा किया बल्कि देश की सबसे बड़ी फर्जीवाड़े का खुलासा भी कर दिया, सर ये तो उपलब्धि के तौर पर देखी जानी चाहिए। नहीं उपलब्धि तो खैर वो ऑफिसर्स लेंगे जी, लेने का काम है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी और उनकी ड्यूटी थी कि अगर मान लो इस तरह की ऑलरेडी पहले से सीज्ड है जी, तो ये भी उनका कर्तव्य था कि उस समय देखते और जो भी इस तरह की साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स का जहाँ पर है उसका डायरेक्ट कंट्रोल उनके पास है जी, उसमें भी उनकी भूमिका पे प्रश्न चिन्ह लगता है, जो भी अफसर उस समय रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता अभी वाले अफसर की उपलब्धियां तो उसके लिए मानी जाएगी कि उन्होंने इसको ट्रेस आउट किया
इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इसको मतलब ड्रग्स को किया पकड़ा है। जी 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 सर, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में जो उस वक्त के अधिकारी रहे होंगे उनकी मिलीभगत इसके अंदर होगी? इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाना सर, 4,700 करोड़ की दवाएं मिली हैं सर, कोई एक दिन में नहीं बनी होगी। जानकारी यहां तक मिल रही है कि बाहर से लोगों को बुलाया गया है कंपनी में काम करने के लिए, क्या अधिकारियों को बिल्कुल जानकारी नहीं सर? चूंकि मैं भी अधिकारी के तौर के ऊपर रहा हूं, जी मिली भगत यदि होती उनकी जी तो शायद है कि ये उस समय ही पकड़े जाते, क्योंकि उसमें मिली भगत में एक व्यक्ति नहीं कर सकता है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि साजिश के तहत ही सब कुछ किया हो कि भैया हो सकता है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए, हो सकता है कि आगे जाके दिक्कत हो, कंपनी को बंद कीजिए, सप्लाई को बंद कीजिए, मशीनों को नष्ट कीजिए, दवाओं की पोजीशन को चेंज कीजिए, कुछ सालों तक चुप बैठे रहिए, फिर धीरे धीरे सप्लाई शुरू होगी? हाँ नहीं, ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है कि हो सकता है कि जहाँ फॉरेन के अंदर मोजाम्बिक में, जाम्बिया में, दक्षिण अफ्रीका के देशों में इस तरह की दवाओं का प्रभाव ज्यादा है, हमारे यहाँ देश की एक हीरोइन है वो वहाँ पकड़ी गई थी, उस समय कोई ऐसा रैकेट सामने आया हो तो इन्होंने उसका कोई छुपाने की कार्रवाई की होगी, उसको एक स्ट्रेटजी के तहत मैं कुछ समय के लिए उसको दबाने का प्रयास किया है ये, और अब जब उनका वो हुआ है कहीं डील तो इसको ये ओपन में लाए और पकड़े गए। ठीक है, ये छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिए, लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई में कांग्रेस के दौर के अंदर एक भारी चूक हुई है जिसका खुलासा अब हो रहा है, और क्या कांग्रेस के दौर के अंदर कुछ बड़े लोगों का संरक्षण यहाँ पर प्राप्त है जिसकी वजह से इतना ज्यादा मैंड्रिक दवा का प्रोडक्शन कर दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा खुलासा उदयपुर में होता है, और खुलासा यह होता है कि 25 टन से ज्यादा अवैध दवा मिलती है जिनकी बाजार में कीमत 4,600 करोड़ से ज्यादा है। क्या वाकई में कांग्रेस के फेलियर के लिए कांग्रेस अपने आप को जिम्मेदार भी मानेगी और यह कहेगी कि इस पूरी कार्रवाई में बीजेपी के साथ कांग्रेस खड़ी है और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी। हम बात करें उदयपुर में हुई उस कार्रवाई की जिसमें 25 टन अवैध मैजिक दवा बरामद की गई, इसकी अनुमानित कीमत 4,600 करोड़ रुपए के करीब है। ये तमाम कारोबार 2013 में बंद कर दिया गया, 3 साल तक लगातार दवाओं को छुपाकर रखा गया, और फिर जैसे ही सप्लाई करने की शुरुआत हुई DIR ने कार्रवाई को अंजाम दिया और इस का खुलासा करते हुए बता दिया कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी फर्जीवाड़े का खुलासा उन्होंने किया है। लेकिन क्या वाकई में एक सरकार इन चीजों का संरक्षण करती है? ये सवाल कांग्रेस को लेकर आज खड़ा हो गया, क्योंकि फैक्ट्री का बनना पनपना, दवा का प्रोडक्शन होना, मशीनों को खत्म करना और फिर ताला लग जाना, लेकिन इस बीच दवाओं का क्या हुआ, इस सवाल का जवाब कांग्रेस ने किसी को भी दिया नहीं, और यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए लगातार मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से सुरेश चौधरी जी मेरे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से मनीष पारीक जी मेरे साथ हैं, पूर्व IPS अनिल गोठवाल जी मेरे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। श्याम सुंदर जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि मुमकिन है इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाए, अधिकारियों को जानकारी ना हो, लोकल विधायक लोकल मंत्री को जानकारी ना हो? श्याम सुंदर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नहीं, आप नहीं आ रही है। विजेंद्र जी, जो आप सही बात कह रहे हैं कि अधिकारियों का फेलियर तो बिल्कुल साफ तरह से दिखाई देता है जी, लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर उत्पादन होना, और जब अगर कोई फैक्ट्री बंद होती है तो उसका रिकॉर्ड भी जब्त होता है कि इस प्रकार से कितनी कितनी दवाइयां थी, क्या थी, ये उस वक्त के अधिकारियों की और सरकार की दोनों की जिम्मेदारी बनती थी कि उसको नष्ट कराते या कुछ करते, जो भी वो नहीं करा पाए, केवल फैक्ट्री को बंद कर देने से ही उनकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। अब आप जो कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री वहां थी उसका कारोबार करने की स्थिति बन रही थी, क्योंकि 5 साल तक सप्लाई कर सकते थे, इतनी व्यापक पैमाने पर उन्होंने दवाई तैयार कर ली थी। अब अगर ये केंद्र सरकार के निर्देश पर अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो ये सप्लाई हो जाती, किसी को पता ही नहीं पड़ता।
ये मौजूदा केंद्र सरकार का को तो जाता है श्रेय जी, जो कि मोदी सरकार केंद्र में है और उन्होंने श्रेय प्राप्त कर रखा है कि हम तस्करी और जो मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी पैमाने पर कार्रवाई करेंगे, तो ये विश्व की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। ठीक है श्याम सुंदर जी, थोड़ा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में इस 1.5-2 साल जो सत्ता परिवर्तन केंद्र में हुआ है उसको आप इस कार्रवाई के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री बंद हो गई, जाहिरा कागजों में दिखाया गया होगा कि अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ था वो सप्लाई हो चुका है या नष्ट हो चुका है। इसके अलावा जिस खेप को यहाँ पर पकड़ा गया है उसके लिए पोजीशन बदल दी गई, धोइया और गुडली में फैक्ट्रियां लगी हुई थी जिनके वहां से हटा के कलवाड़वास के अंदर दीवारों के अंदर चिनवा के इस खेप को छुपाया गया था। क्या वाकई में DIR के लिए 1.5-2 साल का जो वक्त इसमें लगा है पूरी कार्रवाई के लिए, क्योंकि जोरान रैकेट बाहर भी निकला है और बाहर निकलते ही पकड़ लिया गया, आप इस पूरे वक्त को जस्टिफाई कर पाएंगे या लगता है कि वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया? देखिए विजेंद्र जी, ममता कुलकर्णी फिल्म स्टार थी जी, वो पकड़ी गई थी, ये भी पता है आपको, बहुत सारी चीजें की जब उनसे जानकारी गई कि जो कि आपके जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो फिल्म निर्माता भी है, तो उसका संबंध फिल्मों के जगत से भी है, तो ऐसी स्थिति में ये सारी बातें एक दिन में तो उजागर होती नहीं है जी। कितने बड़े व्यापक पैमाने पर आपके जो 4,600 करोड़ रुपए इतने बड़े पैमाने पर दवाई आपकी तैयार पड़ी हो और गुप्त रूप से अंदर बंद हो, थोड़ा बहुत कहीं विदेश में जब देखिए मुजाम्बी में और दक्षिण अफ्रीका में इसकी सप्लाई होनी थी जी, और सारी बातें हो रही थी, तो ये सब चीजें बारीकी तौर पर अगर मॉनिटरिंग नहीं की गई होती केंद्रीय सरकार के उसके माध्यम से तो ये सारी चीजें उजागर नहीं होती। यानी कि केंद्र सरकार और अधिकारियों की पीठ थपथपानी चाहिए इस मामले को लेकर। बिल्कुल थपथपानी चाहिए, पहले वाली केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी बनती थी, कांग्रेस सरकार थी उसकी जिम्मेदारी बनती थी, जब इन्होंने फैक्ट्री सीज की थी तो उनको करना चाहिए था कितना उत्पादन कर लिया आपने, क्या किया था, अगर उस वक्त सतर्कता बढ़ती गई होती तो आज नहीं पकड़ी गई होती, ये 3 साल पहले ही पकड़ी गई। सुंदर जी बिल्कुल ठीक बात है। सुरेश जी यही सवाल मेरा आपसे है, मान लिया 2013 में राजस्थान के अंदर सरकार बदल गई, आपकी सत्ता चली गई, उसी दौर में फैक्ट्री बंद हुई, आपके हाथ में हो सकता है कार्रवाई का वक्त ना हो या कार्रवाई करनी ना चाहिए, लेकिन केंद्र में तो उस वक्त आपकी सरकार थी, क्या केंद्र की तरफ से DIR को निर्देश नहीं दिया गया कि पूरी जानकारी जुटाइए, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी सप्लाई हुई, अगर कुछ यहाँ पर स्पेयर में है तो उसको नष्ट करने की प्रोसेस क्या रही? सर ये तो पूरे तरीके से प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उस वक्त की केंद्र सरकार दोनों का ही फेलियर है। विजेंद्र जी इस दवा के अंदर क्या क्या केमिकल मिलते हैं उसका आइडिया है क्या आपको? सर मुझे उसका आइडिया तो नहीं है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी जरूर है। नहीं है तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पता नहीं था वहां क्या बन रहा है, ये अपन इस बात को अलग घुमा रहे हैं। जिस दिन फैक्ट्री लगी सुरेश जी, जिस दिन फैक्ट्री लगी विजेंद्र जी, जिस दिन फैक्ट्री लगी, जिस दवा का कब तक प्रोडक्शन हुआ, उसमें किन किन अधिकारियों ने, जो अधिकारी इसमें समझता है, जो अधिकारी इसमें समझता है क्या चीज बन रही है, काय का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना बेचा, ठीक है, इसके अधिकारी की जिम्मेदारी है। देखिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सुन लीजिए सर, और सरकारी तंत्र, मैं ये कह रहा हूँ सुने ना आप मेरी बात सर, मुझे एक मिनट सुन लीजिए सर, कांग्रेस मैं आपको 5 मिनट दूंगा, कांग्रेस सर मुझे एक मिनट सुन लीजिए, अगर कार्रवाई रोकी या उसमें कहीं बाधक बने या उसको रोकने का कहीं काम किया तो उनका दोष है सर। ठीक है मुझे एक मिनट सुन लीजिए सर, आपने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री और प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री उनको केमिकल कंपोजिशन की जानकारी नहीं, सर तो फिर यही मान लिया जाए कि यहाँ पर जो फैक्ट्री यहाँ पर लगी उस दवा की फैक्ट्री लगी जिसको पार्टी ड्रग्स कहा जाता है, जिसके साइड इफेक्ट में बता चुका हूं, बिना सोचे समझे लाइसेंस बांट दिए जाते हैं सर, बिना सोचे समझे मुख्यमंत्री कहते हैं आइए भैया फैक्ट्री लगाइए। विजेंद्र जी लाइसेंस देने वाला भी टेक्निकल आदमी है, टेक्निकल आदमी लाइसेंस देता है, क्या बिना विभाग के मंत्री की जानकारी के सब हो जाता है या उस पे होने वाली कार्रवाई को रोका होता? सुरेश जी बड़ा गंभीर सवाल आपने खड़ा कर दिया, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार के दौर में मंत्री लिफाफों में ही लाइसेंस बांट देते हैं बिना जाने कि क्या हो रहा है, क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या होगा? ये आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है सर, ये आपने कहा है, कर्मचारी वही है, आपने कहा है सर, ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये आपने कहा है सर, आज इस भाजपा सरकार में कर्मचारी काम कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार में वही कर्मचारी काम करता है, ये लापरवाही कर्मचारी की है,
अगर सरकार कोई कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई में अगर सरकार सरकार अपने सुन तो लीजिए जरा इस्तेमाल कर रही है सुन तो लीजिए सर तो दोषी है सरकार। ठीक है सर, अब मैं जानना चाहता हूँ अधिकारियों ने काम किया, लाइसेंस कंपनी को दिया गया, बाकायदा जिस मेडिसिन की सप्लाई प्रोडक्शन के लिए काम हुआ, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस विभाग के आपके दौर के मंत्री को जानकारी नहीं थी? आप ये कहना चाहते हैं? हमारे टाइम पे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आप ये कहना चाहते हैं कि आपके दौर के अंदर प्रदेश के अंदर जो चिकित्सा मंत्री जानकारी उसको जानकारी नहीं थी कि उधर की फैक्ट्री के अंदर क्या बन रहा है, अगर उसकी जांच कंपोजिशन क्या है, प्रदेश से उसको सप्लाई क्या हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं बदमाशी कर रहा है दवा के नाम पे अफीम बेच रहा है तो वो बदमाशी करने वाला प्रोडक्शन करने वाला है उसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार अगर अपने पावर सर सरकार का दोषी तो मैं बता रहा हूँ आपको रहा है तो दोषी है सर, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, अगर आपके राज्य में कुछ हुआ तो आप उसको पकड़ नहीं पाए, सरकार कैसे दोषी नहीं, आपका विभाग कैसे दोषी नहीं, आप कैसे इससे बच सकते हैं? अधिकारी दोषी है सर, ये अच्छा है सर, ये अच्छा है, वाकई में अच्छा है श्याम सुंदर जी, वाकई में अच्छा है। अगर किसी सरकार के दौर में अधिकारी कोई सफलता बना दे तो वो मंत्री और सरकार की सफलता, अगर अधिकारियों की गलती की वजह से मंत्री के प्रेशर की वजह से कोई विफलता हो तो वो अधिकारियों की विफलता, सर ये स्टैंड अच्छा है विजेंद्र जी, क्योंकि इनकी मिली जुली सरकार थी, यूपीए सरकार बहुत सारे कुनबे को जोड़ के बनी थी जी, तो ये तो अपनी जिम्मेदारी तो अलग तरह की निभा रहे थे उस वक्त, प्रधानमंत्री जी को तो अपने चिंता ये थी कि मेरी कुर्सी कैसे बची रहे। अभी वहाँ सर प्रधानमंत्री को भी छोड़ देते हैं, लेकिन उस दौर के जो विभाग के मंत्री होंगे उनको तो जानकारी होगी। हाँ, गुलाम नबी आजाद हुआ करते थे उस वक्त मंत्री, इनको भी पता है बहुत सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन वो इसको रोक नहीं पाए, और जब अगर फैक्ट्री बंद की गई तो उसके सारी चीजें सीज करके सारी बातें करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए, गैर जिम्मेदारी तरीके की चीज हुई और आज वो उजागर हुई है, तो आज वो तो राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता भी है अभी, तो उनको खुद को बताना चाहिए था कि मैं किस प्रकार से क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, कौन से अधिकारी थे, उनके समय पर कार्रवाई नहीं हुई दोषी अधिकारियों के खिलाफ, अगर जब वो अगर इस फैक्ट्री को पकड़ा गया था और सही तरीके से कार्रवाई कर गई होती तो आज ये मौजूदा सरकार को इसका श्रेय नहीं मिल पाता, इनको खुद को मिल जाता। ठीक बात, अब तो मोदी सरकार की श्रेय जाता है इसका। ठीक बात है, अनिल गोटवाल जी, अनिल गोटवाल जी सर मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी बिना मंत्री के परमिशन के किसी भी फैक्ट्री को लाइसेंस बांट देता है, क्या मुमकिन है? देखिए सर, सभी सरकार अपने अपने दौर में सुधारीकरण का काम करती है जी, जिसके अंदर टैक्सेस का लेना देना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की कुछ शर्तें कभी कम करती है कभी ज्यादा करती है। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस रेवेन्यू जो है सीधा सीधा वित्त विभाग के नीचे आता है, हो सकता है कि पॉलिसी जिस बजट के अंदर कोई ऐसी बनाई हो एक्सपोर्ट करने की, जिसके अंदर दवाओं का भी कुछ लाभांश उसमें कुछ कम किया हो जी, तो ये एक देखने वाला इशू है कि किसी ना किसी पॉलिसी के कारण ये दवा एक्सपोर्ट करने के लायक हुई, इसीलिए इन्होंने ये कोशिश की है, कोशिश नाकाम हुई जरूर हुई है ये, लेकिन इसके अंदर ये देखने वाली बात है कि कहां से कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी का डिफॉल्ट तो नहीं है, कोई लाइसेंसिंग ऐसी नीति तो नहीं बन गई है कि जिसके अंदर ऐसी और भी कई चीजें जा रही हो, ये मैंडेक्स तो सामने आया है जी, तो ये सरकार को देखने वाला परव्यू है कि ऐसी और भी कई चीजें हैं वो हो सकती है, एक तो उनके ऊपर चेक लगे जी, एक ये लगे कि कहां इस अभियुक्त जो ये पकड़ा गया है इनके किसी से तार संबंध तो नहीं है, किसी ने ग्रीन सिग्नल तो नहीं दिया है जी, लेकिन किसी अफसर ने पकड़ लिया, ये भी एक देखने वाला तथ्य है। अनिल गोटवाल जी, ये सवाल दरअसल इसलिए भी खड़ा होता है, मैं आपसे पूछना भी चाहता था क्योंकि सुभाष दुधानी जो है वो खुद फिल्म निर्माता है, बॉलीवुड में अच्छी पकड़ है, फिल्म भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 साल से लगातार हिंदुस्तान के अंदर ही इस ड्रग्स की सप्लाई धीरे धीरे की जा रही थी, क्योंकि पार्टी ड्रग्स है, और आरोप ये भी है कि बॉलीवुड की कोई भी पार्टी इस ड्रग्स के बिना पूरी नहीं होती, मैं इस तथ्य को सबूतों के आधार पर नहीं रख सकता, मैंने भी जो रिसर्च की उसमें पाया, लेकिन सर यही जानना चाहता हूं क्या ये भी एक संभावना है कि 3 सालों से देश के अंदर इस ड्रग्स की सप्लाई चोरी छुपे की जा रही थी? हाँ, ये बिल्कुल इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो आपको शंका लग रही है जी। हो सकता है कि ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं निकाल रहे हों,
और ऐसा कोई माहौल बन गया होगा तो हो सकता है डीआईआर के रडार पर भी ना आया हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, उस समय तक चूंकि फॉरेन में एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो हो सकता है डीआईआर के रडार पे नहीं आए जी, लेकिन उसके अंदर स्टेट एजेंसीज है उनके रडार पे तो जरूर आना चाहिए था। अभी महाराष्ट्र के अंदर पिछले दिनों कई ये जो पार्टियां रेव पार्टी वगैरह पकड़ी गई है, इनमें भी ड्रग्स पकड़ी गई है, तो उस समय हो सकता है कुछ तथ्य रह गए हो और नई नई चीजें कोई सामने नहीं आई, तो अब गंभीरता से इस जानकारी जरूर करनी चाहिए इस अभियुक्त के साथ कि ये इनके तार और किन किन से जुड़े हुए हैं। अनिल कोटवाल, तो इसका मैं सिर्फ हवा में ये बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई आधार नहीं है, लेकिन क्या इस संभावना हो सकती है कि उस वक्त के वर्तमान मंत्री सरकार या फिर किसी और पॉलिटिशियन जो कि उस इलाके के अंदर वजूद रखता हो उसका गठजोड़ यहाँ पर निकल कर सामने आ सकता है, क्या ये मुमकिन है? हाँ नहीं, इस संभावना से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ हो सकता है, ये एक जो सामने कई चीजें हाइड हो जाती है सामने नहीं आती है वो बाद में कई बार आ जाती है। ठीक है मनीष पारिक जी, क्योंकि डीआईआर जो है अपने तरीके से काम कर रहा है, बाकायदा दुदानी से कई बातचीत भी आई, कई खुलासे भी हुए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार क्या अब इस मामले को अपने स्तर पर भी दिखाएगी कि आखिर राजस्थान में अगर ये सब कुछ हो गया तो किस तरीके से हो गया, अगर 3 साल तक इस पर परत जमी रही तो उस परत को उजागर ना होने दे, इसके लिए कौन प्रेशर डाल रहा था, क्या इन सब चीजों का खुलासा होगा, क्या राजस्थान अपने स्तर पर जांच कराएगी? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब जांच कंप्लीट होगी उस समय कई नई चीजें सामने आएगी और कई लाभ जो उन्होंने आदमियों से प्राप्त करे हैं, सिस्टम से प्राप्त करे हैं, उनका भी खुलासा होगा। बड़ी बात यह भी है कि शातिराना अंदाज से उसको दीवारों में चुनवाया छुपाया वो अलग बात है, लेकिन सरकार का तंत्र ऐसा तो होना ही चाहिए कम से कम कि जो साजिशकर्ता बड़े अपराधी हैं उन तक उनकी पहुंच होनी चाहिए कि वो कौन सा मेजरमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, नए मेजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जानकारी लेटेस्ट होनी चाहिए, ये बात तो तय है। और ये हम वैसे भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है, एनालिसिस है, जो भी कोई इंटेलिजेंस है वो तो इस लेवल की होनी चाहिए कि वो अपराधियों से एक कदम आगे चलनी चाहिए और इसीलिए अपराध रोका जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ कि जैसा श्याम सुंदर जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि हम नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे और इसके बारे में बड़े पैमाने पर स्टेप उठाएंगे ताकि ये चीजें खत्म हो, एक ये मिशन भी है, ये आत्मविश्वास भी है और इनका अपना प्लान भी इस प्रकार का होगा कि जिस तरह से डिपार्टमेंट ने कार्रवाइयां तैयार की और भी कई जगह पर देश में इस तरह की बातें हुई होगी, उनमें से अभी सफलता मिली है, आगे संभावना और भी है। ठीक है मनीष जी, इस दौरान मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, उदयपुर के अंदर जो ड्रग्स कंट्रोलर टीम होगी, जो राज्य स्तर की टीम होगी, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार करेगी? वो तो तय है, उसका कारण है जो चूक हुई है, जो लोग वहां से ट्रांसफर भले ही हो गए हो अगर डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो उनसे जवाब पुराना लिया जा सकता है कि उस दौरान आपने स्टॉक चेंज क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ है विजेंद्र जी, जब कंपनी को लोन दिया जाता है फैक्ट्री के लिए तो जब उसकी जब्तियां होती है, उसकी रिकवरी होती है, उसमें स्टॉक की जांच की जाती है और स्टॉक की जांच होने के टाइम ये पूछा जाता है कि तुमने मान लो इतने साल में, वो दिखाता है थोड़ा सा, वो दिखाता है मैंने 2 रुपए का माल बनाया होगा उससे 100 रुपए का, जब 2 रुपए का माल बनाया तो उस माल को भी जब्त किया जाता है और जब उसी अपनी कॉस्ट वसूल की जाती है, कंपनी घाटा में जाती है। अगर तो हो भी सकता है, देखिए मेरे पास बिल्कुल जानकारी नहीं है, हो सकता है कि उस वक्त कुछ जब्त हुआ हो, लेकिन जो मैं सच्चाई बार-बार यहाँ पर बता रहा हूँ कि दोइंदा और गुंडली में 3 फैक्ट्रियां थी, यहाँ से सारे माल को जितना वो कर सकते थे, जिसका खुलासा हुआ है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो और 3 साल से सप्लाई उसकी हो रही हो, लेकिन उसको कलड़वास के अंदर अलग से रखा गया, यानी कि जहां पर फैक्ट्रियां थी वहां पर सामान नहीं था, उसको अलग से छुपाया गया, तो अगर जब्ती की कार्रवाई की भी गई होगी तो 3 फैक्ट्रियों पर की गई होगी, वहां पर थोड़ा बहुत जो भी सामान होगा उसको सब कर लिया गया होगा। जो लोग वित्तीय विषय पर जिम्मेदार थे उनकी भी गलती है क्योंकि उन्होंने रिकवरी पूरी नहीं की, जो प्रोडक्शन है, जो वहां के मजदूर काम करने वाले, उनसे पूछा जाता है कितने दिन तुमने ये निर्माण किया, और अगर वो ये बता देते हैं कि 4 साल से हम निर्माण कर रहे हैं तो ये बात तो सामने आई जाएगी कि 4 साल में दवाई है तो सप्लाई बिल बताओ, सप्लाई बिल कहाँ है, और सप्लाई बिल अगर नहीं हुई है तो फिर वो माल स्टॉक तुम्हारा अंडरग्राउंड है जो हमको जब्त कराओ, उससे हम हमारी कीमत वसूल करेंगे, ऋण की किस्त वसूल करेंगे। ये एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है, जो मैं समझ नहीं पा रहा वाकई में, करोड़ों की मशीनों को कोई जानबूझकर नष्ट क्यों करेगा जी, इसलिए कि उससे ज्यादा कीमत उनको उसमें मिल गई है
और उससे ज्यादा बहुत ज्यादा ज्यादा गुना कीमत, ये तो पूंजी है उनकी, उन्होंने अप्लाई किया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और जब वो इसको बेच के माल के पैसे प्राप्त करेंगे तो ऐसी तो सैकड़ों मशीनें आ सकती है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि बचने के लिए, और एक कारण ये भी हो सकता है कि सरकार बदल जाने के बाद इस नई सरकार का जो डिटर्मिनेशन है वो पूरी संसार जानती है कि एक बार जो तय करते हैं वो पूरा करते हैं, उसके डर के मारे भी हो सकता है। चलिए ठीक है, श्याम सुंदर जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये पूरी बहुत सोची समझी साजिश रही? ओवर प्रोडक्शन हुआ, कंपनी को घाटे में दिखाया गया, मशीनों को बर्बाद किया गया, सामान को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, फिर कंपनी को सीज कराया गया, और 3 साल तक कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ उसकी किसी को खबर तक नहीं लगी। क्या बिना लोकल इन्वॉल्वमेंट के सब मुमकिन है? और लोकल इन्वॉल्वमेंट से मेरा मतलब क्या है, बेहतर समझते हैं सर, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर होता है उसको तो जानकारी होगी, लेकिन व्यापक पैमाने पर उत्पादन हुआ ये तो बात सामने आ रही है जी। और क्योंकि मशीन उत्पादन करती है तो कंप्यूटराइजेशन मशीन होती है, उसको समाप्त जो बंद करने के बाद उसको मशीनों को जो किया गया जिसको बंद करके जिस प्रकार से मशीनों को वो अलग तरह से उसको खत्म करने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि उसमें सारा रिकॉर्ड होता है। अगर वो मशीन को रखा गया होता तो वो मशीन की क्या स्थिति है पता नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब उत्पादन होता है तो कंप्यूटराइजेशन होता है तो वो बता सकती है कि कितनी गोलियों का निर्माण किया गया। सर फिर तो पूरे तरीके से मिली भगत है, व्यापक नहीं, निर्माण तो व्यापक पैमाने पर हुआ है जो कि सामने आया ही है ना जी, कि इतने बड़े चार सर मेरा सवाल ये कि अगर इतने सवाल आप इस वक्त खड़े कर रहे हैं श्याम सुंदर जी, तो क्या उस वक्त अधिकारियों के पास कोई सवाल नहीं था? क्या उन्होंने इस एंगल से नहीं सोचा? अधिकारियों को तो क्या वर्तमान सरकार ने उस वक्त की इस एंगल से नहीं सोचा? विजेंद्र जी जो टेबल के नीचे से मिलता है ना तो फिर अधिकारी ऊपर नहीं देखता। ठीक है सुरेश चौधरी, करना होता है सुरेश चौधरी जी, सर आपकी सरकार के दौर में टेबल के नीचे से इतना मिल गया, श्याम सुंदर जी ये कह रहे हैं कि ऊपर से देखने का वक्त नहीं मिला। नहीं अब क्या कहेंगे विजेंद्र जी, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़ा हो हल्ला होता है। विजेंद्र जी भ्रष्टाचार हमारी सरकार में कितना था, और अब ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी देख रहे हैं जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने गलत काम किया वो चाहे हमारी कांग्रेस की सरकार में किया, चाहे उस समय की भाजपा हमारे से पहले भाजपा राजस्थान में सरकार में रही उस टाइम पे किया, चाहे आज किया, गलत व्यक्ति कोई सरकार का अंग नहीं होता है। सर देखिए सामाजिक कार्यकर्ता की भाषा नहीं सुरेश जी, नहीं नहीं देखिए आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का स्टैंड बताइए जिस भी नहीं सर। नहीं मैं प्रदेश में आपकी कांग्रेस का स्टैंड है, केंद्र में आपकी सरकार जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ, अगर हमारे अधिकारी से या हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री से कहीं भी इसमें चूक हुई है, लापरवाही हुई है, अभी भी आप चूक नहीं मान रहे सर। नहीं नहीं हुई है तो गलती है ना हमारी, मैं कह रहा हूँ ना जांच में आएगी ये बात जी। अगर हमारे मंत्री से कोई चूक हुई है, हमारे पदाधिकारी से कोई चूक हुई है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदेश में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार कर रहा हूँ कम से कम देशों में हमारी सरकार पर कहिए कि सरकार गलती हुई। सोलंकी जी मेरी बात आप सुने, मैं कह रहा हूँ जब ये सप्लाई बंद हुई, ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद हुआ जी, केंद्र में हमारी सरकार थी जी, राजस्थान में हमारी सरकार थी, मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ कि हमारे उस टाइम के किसी भी मंत्री से या सत्ता के किसी सत्तासीन से कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है, उसमें अगर वो पार्ट है। सर ठीक है मेरे पास वक्त की कमी है, ये और बता दीजिए इस गलती का भुगतान कैसे करेंगे? नहीं गलती का भुगतान तो जो जब पकड़ा जाता है, गलत व्यक्ति रोज करता है गलतियां, जिस दिन पकड़ा जाते हैं उसका मतलब उसकी सजा का पूरा हिसाब आ जाएगा। बीजेपी के साथ सरकार कांग्रेस की जो उस दौर में रही होगी, उस दौर के जो मंत्री रहे होंगे या जो वर्तमान में पीसीसी अध्यक्ष हैं, वो सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे कि खुलकर जांच कीजिए? नहीं नहीं बिल्कुल, हम इसमें कहेंगे कि खुल के जांच कीजिए, पूरे तथ्य सामने लाइए, जिसकी कमी है जिसकी गलती है उसको सामने लाइए। ठीक है अनिल गोटवाल जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि बड़ी आसानी से इन तथ्यों को उजागर किया जा सकता है कि किसकी मिलीभगत से सब कुछ किया गया? हाँ ये बिल्कुल सही है, आसानी से तो नहीं, हाँ कुछ डेटा जो डिलीट कर दिया गया है या और कुछ है जी, लेकिन काफी कुछ हद तक हम डेटा को रिकलेक्ट करके और सामने तथ्य ला सकते हैं। जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनकी पूछताछ अच्छी तरीके से करके
और जो इसमें शामिल है उनको आगे बढ़ा के उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जा सकती ठीक है। मनीष पारिक जी सर जी। तीन तथ्य है, एक तो आपकी सरकार इस मामले में घिरी नहीं है, दूसरा ये कि कांग्रेस अपनी गलती मान रही है, और तीसरा है कि कांग्रेस ये भी मान रही है कि वो पूर्ण तरीके से बीजेपी का समर्थन करेगी इस मामले के अंदर, ताकि खुलासा जल्द से जल्द हो, निष्पक्ष और जल्दी जांच की उम्मीद क्या की जा सकती है? जी जी निश्चित तौर पर ये तो करना ही पड़ेगा, इनका चारा है, चारा नहीं है कोई जी। ये जब जांच होगी और अगर किसी का नाम आएगा तो ये उस समय ये कहेंगे कि गलत आ रहा है, अभी इनको यही कहना है, इसलिए नहीं, नहीं, नहीं। नाम आएगा तो आएगा, जांच में हम क्या कर सकते हैं, तो बात खत्म। फिर अब बड़ी बात एक ही है कि ये बात सही है कि जो DRI ने इतनी अच्छी कार्रवाई की है इस बारे में, और ऐसा लगता है कि तो देश में जो ये नकली दवाई का धंधा करने वाले हैं, नशे के गर्त में धकेलने वाले लोग हैं, उन पर उनके मंसूबे नाकाम होंगे। ठीक है मनीष, और मेरे पास निश्चित मैं आपसे दो तीन चीजें चाहता हूं जो मेरा दर्शक आपसे सुनना चाहता है, क्योंकि गृहमंत्री ने तो माफी मांग ली, चूक भी मांग ली जी, है ना, लेकिन आगे क्या, एक बार मैं फिर से वही चाहूंगा कि आप दोहराएं, ये वही कार्रवाई है, चलेगा जिले जिले में जानकारी जुटाई जाएगी कि कौन सी कंपनी बंद है, कहां पर अवैध तरीके से इस तरीके का कारोबार चल रहा है, क्या ये सब कार्रवाई उत्तर प्रदेश में नजर आएंगी? विजेंद्र जी गृह मंत्री जी का बयान अपने आप में पर्याप्त है ये बताने के लिए कि जब ये चूक हुई है तो जिनसे हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक दूसरी बात, ऐसी चूक आगे ना हो जाए इसके लिए कुछ डेवलपमेंट किए जाएंगे, इक्विपमेंट लाए जाएंगे, ताकि लोगों को इसी के है। मनीष जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुंदर जी, सुरेश जी और अनिल गोटवाल जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि क्या वाकई में सरकार के आंखों के नीचे सब होता रहे और कुछ किसी को दिखाई ना दे, और क्या अब वर्तमान सरकार जिसके दौर में सारा खुलासा हुआ है वो अब एक अभियान प्रदेश में चलाएगी ताकि और कोई खुलासा प्रदेश की सरकार यहां पर करती हुई नजर आए। बी बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।